गुड मॉर्निंग आज है day 6 और कल जो है बुमला पास से आने के बाद रश्मि का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, पूरा ठंडा मार दिया। इनफैक्ट नंदिनी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इसलिए हम लोग कल बुमला पास से आने के बाद कहीं नहीं जा पाए। और जहाँ तक बात है आज का, आज हम लोग कोशिश करेंगे लोकल साइट सीइंग देखने का और घूमने का। अभी क्या है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको कि जैसे कि अपना बुमला है, बुमला जाने के लिए एक पास लगता है, वो पास आप खुद से भी बना सकते हैं, अपने गाड़ी से भी जा सकते हैं, लेकिन इट्स प्रिफरेबल क्योंकि आप टूरिस्ट बन के आए हैं तो यहाँ के लोकल में भी थोड़ा इकोनॉमी बूस्ट अप करने के लिए थोड़ा पैसा खर्च करिए और लोकल टैक्सी लेके जाइए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद एक यहाँ पे एक मस्त सा वाटरफॉल है छुमिक याचे करके, द होली वाटरफॉल बोला जाता है उसको, वो भी काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है। हम कर नहीं पाए क्योंकि समय की कमी है। आज जैसे कि अगर आज मैं अभी निकलूँ 7 बजे तो मैं वहाँ पहुँचूँगा 1 बजे, और उसके बाद फिर वहाँ से जब अगर मैं 1 घंटा पकड़ लीजिए 2 बजे के आसपास शुरू करूँ चलना तो इधर पहुँचूँगा 7:00 बजे। तो वो काफ़ी दूर है, एन रूट है बुमला, काफ़ी दूर है। और माधुरी लेक है, बहुत सारा छोटा 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 पॉन्ड्स आपको लेक्स मिलेंगे, अच्छा है। और आज जो है लग रहा है ऐसा कि सुबह सुबह बर्फबारी हुआ है, माउंटेन्स जो है वो काफ़ी, अगर आप देखेंगे तो माउंटेन्स में काफ़ी ज़्यादा बर्फ पड़ा हुआ है जो कि कल नहीं था, और कल क्लाउडी भी हुआ हुआ था और ऐसा एक्सपेक्टेड है। गूगल मैप बता रही है कि यहाँ पे आफ्टर संडे आपका 1 डिग्री रह जाएगा टेम्परेचर। तो चलिए, दिस वॉज द राउंड ऑफ एक्टिविटीज़ डेट वी डिड यस्टरडे, बीमार पड़े हुए थे बट इट्स ओके। आपको काफ़ी तेज हवा का सामना करना पड़ेगा इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा कपड़ा वगैरह लेके आइए और अपने आप को वार्म रखिए। बाय। तो सुबह के बीमारी से ऊपर रिकवरी आके हम लोग आ गए हैं जायंट बुद्धा स्टैचू के पास, और फिर हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी की, ड्रोन शॉट्स लिया, और एक बार आपको भी फुल व्यू दिखा देते हैं। ये है मे पीस प्रिवेल, यहाँ पे चाय का प्रबंध, मस्त सा ठंडी ठंडी वादियों में आप चाय पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कहाँ मिलेगा अरुणाचल इंडिया में। मैं तो चाय पीता नहीं हूँ लेकिन ये लोग पी रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? हम लोग पहुंच गए हैं तवांग वार मेमोरियल, और इधर मस्त सा पेस्ट्री और क्रीम रोल खाया जा रहा है। ये रहा आपका बेकर्स है जहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सामने एक शॉप है। तो हम लोग वार मेमोरियल की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर मशीन गन है।
देखते हैं टिकट मिलता है या नहीं। ये रहा वार मेमोरियल, पीछे से भी आ सकते हैं हम लोग। अभी टिकट हमें नहीं मिल पाया क्योंकि सब लंच टाइम हो गया है, तो एक बार शाम में डायरेक्टली आते हैं, देखते हैं अगर मिल जाएगा तो ठीक है, दोनों काम एक साथ हो जाएगा। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। और अभी हम लोग चलते हैं तवांग मोनेस्ट्री, वो थोड़ी दूर पे है, नज़र तो आ रहा है इधर से, बस जा कर देखते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपना तवांग मोनेस्ट्री में, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। ये इनॉग्रेट किया था अपने दलाई लामा 14th ने, तो सॉरी हीज होनरेबल दलाई लामा 14th ने 1997 में। ये छोटे छोटे घर हैं मॉन्क्स के, ये छोटे तो नहीं हैं, बड़े बड़े घर हैं। फाइनली हम लोग को टिकट मिल गया है, 50 rupees का एक टिकट है फॉर दिस शो। अभी शाम के 5:15 हो रहे हैं, देखते हैं शो कैसा है।